like you. Be strong to hold the powers of the sun. हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो है फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं और कैसे उनका यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो पहले आता है हमारा फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। फंक्शन पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होते हैं? फंक्शन डज नॉट परफॉर्म एनी चेकिंग ऑन पैरामीटर वैल्यू, ठीक है। फंक्शन कभी भी अगर कोई वैल्यू आर्गुमेंट पास कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पैरामीटर पास किया आपने पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री, तो फंक्शन कभी भी इनको पैरामीटर्स को नहीं देखता है। अगर फंक्शन पास हो रहा है तो कोड को देखता है, कोड को पास करता है, पैरामीटर्स को वो नहीं देखता है, ठीक है। पैरामीटर्स होता क्यों है? पैरामीटर होते हैं ताकि एक वैल्यू पास की जाए, ठीक है, जो कोड को रन करने में मदद करे। या फिर जो मान लीजिए आपने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रखी है, जैसे एक्स और वाई पैरामीटर पास कर रखा है पैरामीटर वन और पैरामीटर टू में, ठीक है। अब जो ये एक्स और वाई है, इसका इस्तेमाल आपने यहाँ पर कर रखा है, तो इसका ये यूज करेगा, बट इसको चेक नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि इससे आप इसमें वैल्यू मतलब इसके बिना ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोड के बिना पैरामीटर कुछ नहीं है, उसकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइन नहीं है, ओके। तो फंक्शन डज नॉट परफॉर्म एनी चेकिंग ऑन पैरामीटर वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स, ये कोई चेकिंग नहीं करता है फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स है, ठीक है। जैसे ये कोड भी है यहाँ पर, फंक्शन, फंक्शन का नेम, देन पैरामीटर वन, इसको लिखते कैसे हैं? पैरामीटर आप एक पैरामीटर पास किया आपने, दूसरा, तीसरा, ठीक है, देन कोड आ गया, देन पैकेट बंद हो गया। तो ये इसका एक सिस्टमेटिक वे है इसको लिखने का और इसको रिप्रेजेंट करने का। अब आता हमारा पैरामीटर रूल्स। पैरामीटर कुछ रूल होते हैं जिनको हम जिनको भी जानना जरूरी है अगर हमें अच्छे समझना है, क्योंकि अगर हम रूल नहीं समझेंगे वाला तो बहुत दिक्कत होगी आगे जाके, ठीक है। तो क्या है? डू नॉट स्पेसिफाई डाटा टाइप, तो जो फंक्शन है वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं डाटा टाइप फॉर पैरामीटर्स, ठीक है। तो फंक्शन पैरामीटर के लिए कोई डाटा टाइप असाइन नहीं करते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपने x और y वैल्यू पास कर देखी है, ठीक है, बट ये वेरिएबल है, ठीक है, या फिर ये int है, जो भी है, वैसे कि हम जानते हैं कि हम वेरिएबल लिखते हैं तो वो अपने आप प्रीडिफाइन हो जाता है, बट यहाँ पर हमें वेरिएबल लिखने की जरूरत भी नहीं है, हमने वैल्यू पास करी, इससे डायरेक्ट यही होगा। तो यहाँ पर हम उसको डाटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, डू नॉट परफॉर्म, फंक्शन डू नॉट परफॉर्म टाइप चेकिंग ऑन पास आर्ग्यूमेंट, तो ये टाइप चेकिंग भी नहीं करेगा, ठीक है, किस टाइप का है कि वो भी चेक परफॉर्म नहीं करेगा, ये देखेगा नहीं कौन सा टाइप है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं टाइप चेकिंग करके कुछ यहाँ पर वैल्यू पास करूंगा तो भूल जाइए। दूसरा, तीसरा आता हमारा फंक्शन डू नॉट चेक नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट रिसीव, तो ये कभी चेक नहीं करता कितने आर्ग्यूमेंट यहाँ से आ रहे हैं, कितने पैरामीटर यहाँ से पास हो रहे हैं, फंक्शन कभी चेक नहीं करेगा। यहाँ पर आप चार लिखिए, पाँच लिखिए, छः लिखिए, जब तक उनका कोई यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, वैसे बनाना भी बेवकूफ़ी है, बट अगर आप उसको यूज कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, पैरामीटर पास ही करेगा उसकी जो वैल्यू है उसको यूज किया जाए। अगर उसका यूज यहाँ पर आप कर रहे हो तो वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट रिसीव होंगे उनको फंक्शन तब भी नहीं देखेगा, फंक्शन तब भी चेक नहीं करेगा कितना आर्ग्यूमेंट है, जब तक वो यहाँ पर यूज नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैरामीटर कुछ रूल्स। देन आता हमारा पैरामीटर डिफॉल्ट। पैरामीटर डिफॉल्ट होता है क्या? फंक्शन कॉल्ड विथ मिसिंग आर्ग्यूमेंट देन मिसिंग वैल्यू सेट टू बी अनडिफाइंड सो असाइन वैल्यू। क्या कह रहा है? जो फंक्शन कॉल होते हैं मिसिंग आर्ग्यूमेंट से, जिसमें आर्ग्यूमेंट मिस है, ठीक है, देन मिसिंग वैल्यू सेट टू अनडिफाइंड। क्या है इसका डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक्स और वाई वैल्यू पास करी, ठीक है, y का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर, y 0 ले लिया आपने, ठीक है, इक्वल इक्वल 0 को डिफाइन कर देगी, y 0 है, बट x को आपने डिफाइन नहीं किया, x क्या है, या मान लीजिए आपने x और y तो आपने बनाए, ठीक है, आपने पैरामीटर पास किए, बट इसका कुछ यूज नहीं किया आपने, इसका कोई यूज नहीं किया, इसका अगर यूज नहीं किया तो क्या होगा? ये अनडिफाइन कहलाएगा, जो कि यहाँ डेफिनेशन बोल रहा है, ठीक है, सेट टू बी सेट टू अनडिफाइन, तो अनडिफाइन अपने आप कहलाएगा, ठीक है। सो असाइन वैल्यू, तो आपको वैल्यू एक असाइन करने की जरूरत है वहाँ पर, अदरवाइज वो क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए फंक्शन, माय फंक्शन, आपने एक्स कॉम वाई पास किया, ठीक है, आपने कोड कोई भी लिखा, आपने यूज किया वाई का, ठीक है, वो सही है, बट मान लीजिए अगर आपने ये वाला सेंटेंस या फिर कोड का इस्तेमाल नहीं किया और आपने डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आएगी? वो आएगी आपका अनडिफाइन, ठीक है। तो इसका तो आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि आपने यहाँ वाई असाइन 0 कर दिया, बट अगर आपने यहाँ पर एक्स वाई का इस्तेमाल करके यहाँ पर कोड में इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट के आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं?
चलिए वो देखते दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट आर पास बाय वैल्यू, ठीक है। कैसे फंक्शन जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में आर्गुमेंट पास होगा वैल्यू की तरह, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको कुछ डेफिनेशन है, हम उसको समझेंगे कि अब क्या वैल्यू क्या कैसे पास होती है, कौन सी वैल्यू डिफाइन होती है, कौन सी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, कौन सी वैल्यू चेंज करती है फंक्शन के बाहर, कौन सी वैल्यू चेंज नहीं करती फंक्शन के बाहर, ठीक है। तो और ऑब्जेक्ट जो पास होंगे रेफरेंस में, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट करेंगे, सेम इसी में जो हम चीज पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज है, ठीक है। तो पैरामीटर कोई फंक्शन में फंक्शन कॉल के समय पैरामीटर क्या है, पैरामीटर कुछ नहीं है, आपको समझाता हूँ। ये देखिए अगर आपने कोई वैल्यू पास करी, ठीक है, ये फंक्शन है, आपने यहाँ पैरामीटर वन, पैरामीटर टू, पैरामीटर थ्री, पैरामीटर को ही हम आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कुछ अलग नहीं है, इन्हीं का नाम भी है पैरामीटर, इन्हीं का नाम आर्ग्यूमेंट भी है, ठीक है। अगर देखो यहाँ क्या कह रहा है, पैरामीटर इन अ फंक्शन कॉल, पैरामीटर जो फंक्शन कॉल में जब फंक्शन इंजन कॉल करेगा आर द फंक्शन आर्ग्यूमेंट, वही फंक्शन आर्ग्यूमेंट होंगे, मींस जब फंक्शन कॉल करेगा इनको तब वो आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे, अदरवाइज वो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ आपने एक्स और वाई का वाई को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोड के अंदर इस्तेमाल हुआ है एक्स और वाई का, तो वो क्या कहलाएंगे, अब फंक्शन पैरामीटर नहीं, वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। बट अगर इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खाली आपने ए वैल्यू पास कर रखी है, एक्स वैल्यू पास कर रखी है, तो वो क्या कहलाएगा, वो फंक्शन पैरामीटर कहलाएगा, ठीक हो गया। जावास्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट आर पास बाय वैल्यू, जावास्क्रिप्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो पास बाय वैल्यू की तरह, फंक्शन ओनली नो द वैल्यू नॉट द लोकेशन, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अब हमने क्या बोला यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट यूज हो रहे हैं आर पास बाय वैल्यू, उनके अंदर वैल्यू पास की जा रही है। मतलब यहाँ पर अगर आपने एक्स और वाई डिफाइन करके तो वहाँ पर जीरो हुआ आपने या फिर वन या टू यहाँ पर साइन कर रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, अगर आपने ये डिफाइन कर रखा वन, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ वन कर दिया, यहाँ वाई हमने टू कर दिया, ठीक है, एना आपने अंदर कोड लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्स का इस्तेमाल आपने किया, एक्स प्लस वाई कर दिया जेड के अंदर, तो यहाँ पर जेड के अंदर थ्री आ गया आउटपुट। तो क्या है, ये आर्ग्यूमेंट तो है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट होगा वैल्यू के पास के थ्रू, मतलब इस आर्ग्यूमेंट में आपने वैल्यू पास कर रखी है, पहले सिर्फ आपने एक्स और वाई का इस्तेमाल किया था और वहाँ पर कोड में उसका यूज हो रहा था, बट अब आपने उसे वैल्यू पास कर दी, अब जो वैल्यू पास हो रखी है वो भी इस्तेमाल कर रहा है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन ओनली नो द वैल्यू, फंक्शन खाली वैल्यू जानता है, वो ये जानता है कि एक्स के अंदर वन है और वाई के अंदर टू है, वो ये नहीं जानता उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि वो लोकेशन नहीं जानता, अगर आप उसको लोकेशन पॉइंट आउट करोगे तो लोकेशन आपको नहीं बताएगा, सिंपल, ठीक है। अब तीसरा, इफ फंक्शन चेंज एन आर्ग्यूमेंट वैल्यू, अगर फंक्शन मतलब ये एफ, ये जो कि एफ वन है, मान लीजिए फंक्शन एफ वन हो गया, वो चेंज करता है आर्ग्यूमेंट वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू में चेंज करता है, देन नॉट चेंज द पैरामीटर ओरिजिनल वैल्यू, तो पैरामीटर के ओरिजिनल वैल्यू पर चेंज नहीं करेगा, मीन्स यहाँ कोड के अंदर मान लीजिए यहाँ पर x के अंदर इसने डिफाइन कर दिया फिर दोबारा से 3 एन y के अंदर 3 जो कि 6 हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर जो 1 और 2 है उसके ओरिजिन वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो सेम रहेगी। तो यहीं पर वो डिफाइन कहना चाहता है कि मान, अगर मान भी लेंगे उसने उसकी लेटर वैल्यू, लेटर ऑन वैल्यू को चेंज कर भी दिया, बट उसकी ओरिजिन वैल्यू रहेगी वो वैसी ही रहेगी। चौथा पॉइंट, चेंज टू आर्ग्यूमेंट नॉट विजिबल आउटसाइड द फंक्शन, आर्ग्यूमेंट में चेंज करना, ठीक है, यहाँ पर इसमें चेंज कर देना, वन और टू में चेंज कर देना, नॉट विजिबल आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर ये नहीं दिखेगा, मतलब जो फंक्शन है इस तक ये सीमित रहेगा, इसकी बाउंड्रीज फंक्शन तक ही है, जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सिर्फ फंक्शन तक है, उसके बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सही है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या होगा, फंक्शन जो पैरामीटर है वही आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। दूसरा, जावास्क्रिप्ट जो पास किया आपने वैल्यू, वो वैल्यू जानता है उसकी लोकेशन नहीं जानता है। तीसरा, अगर फंक्शन चेंज करता है आर्ग्यूमेंट वैल्यू को, ठीक है, तो उसके ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। चौथा, कि जो ये फंक्शन है अगर आपने चेंज किया आर्ग्यूमेंट में तो फंक्शन के बाहर विजिबल नहीं होगा। तो ये चार पॉइंट हैं, इनको रिमेम्बर कीजिएगा और इनको याद कीजिएगा, ठीक है, समझ जरूरी है वैसे तो, पर अगर आपको मेमोराइज रहेगा कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं तो दिक्कत नहीं होगा कोड में और आपको एक लॉजिक बिल्ड होगा कि हाँ ये गलत है ये सही है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट आर पास बाय रेफरेंस,
ऑब्जेक्ट क्या थे अभी हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट जो वैल्यू हम पास कर रहे थे उसका ऑब्जेक्ट का तो इस्तेमाल कर रहे थे हम, एरे ऑब्जेक्ट को एरे के तो इस्तेमाल कर रहे थे और वैल्यू पास करके फंक्शन का एग्जीक्यूट करा देते हैं और उसको भी आउटपुट करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, फंक्शन आर पास बाई रिफरेंस, फंक्शन जो है पास हुए रिफरेंस की तरफ, ठीक है। तो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट रिफरेंस आर वैल्यू, ऑब्जेक्ट की रिफरेंस होगी वो वैल्यू होगी, हमने वैल्यू पास की थी वहाँ एरे में, हमें होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही थी उसकी 15 जितनी भी आ रही थी। इफ फंक्शन चेंज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, अगर फंक्शन चेंज करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, जैसे कि सम ऑल था उसकी प्रॉपर्टी उसने चेंज कर दी, ठीक है, इट चेंज ओरिजिनल वैल्यू, तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी चेंज जाएगी। ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करी तो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वैल्यू भी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज की तो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज होगी ही होगी। जैसे यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है इसकी ओरिजिनल वैल्यू, सेम रहेगी फंक्शन आप जो पहले डिफाइन करता वो चेंज नहीं होगा, आपने अगर लिटर साउंड चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर अगर आपने फंक्शन की प्रॉपर्टी चेंज की तो वैल्यू में भी चेंज आएगा ही आएगा, ठीक हो गया। देन चेंज टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर विजिबल आउटसाइड द फंक्शन, जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में वो आउटसाइड फंक्शन के विजिबल होगा, ठीक है। इन द सेंस क्या हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज की, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, अगर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये फंक्शन f1 है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लिखा है आपने कीवर्ड फंक्शन और ऑब्जेक्ट लिखा आपने सम ऑल, ठीक है, सम ऑल ना लिखे आपने यहाँ सब ट्रैक ऑल लिख दिया, ठीक है। अब आपने चेंज कर दिया इसकी वैल्यू और लेटर ऑन नीचे फॉर लूप में भी आपने सब ट्रैक ऑल कर दिया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अब चेंज हो गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, जैसे कि ये वाला, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, अब वो सब माइनस होंगे, जो भी तक प्लस हो रहे सब सब माइनस होंगे, ठीक है। दूसरा, चेंज टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी आर विजिबल आउटसाइड द फंक्शन, अब जो आपने यहाँ चेंज किया, आपने माइनस किया, ठीक है, ये इस फंक्शन तक सीमित नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ यूज़ कर रखा है वो फंक्शन के बाहर भी विजिबल होगा और दिखाई देगा, ठीक है, तो वहाँ भी उस एरिया में उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थी फंक्शन कैसे आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट में कैसे वैल्यू पास करेंगे और ऑब्जेक्ट आर बाय रिफरेंस, रिफरेंस में कैसे वैल्यू पास होगी और क्या क्या चीज़ होंगी, तो हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा फंक्शन पैरामीटर कंप्लीट हो गया, अगला टॉपिक है हमारा फंक्शन इनोवेशन इनक्यूबेशन, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।